नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर झांसी से। और आज मैं आपको AMH के बारे में बताऊंगी। AMH क्या है, इससे बहुत सारे पेशेंट्स बहुत परेशान रहते हैं लो AMH और इन सब से, और पढ़ पढ़ के बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये कंफ्यूजन आप लोगों का दूर करती हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और जो भी और कोई क्वेरी आए दिमाग में तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें, सो दैट मैं उसका जवाब दूंगी। सी, व्हाट इज़ AMH? AMH बेसिकली, AMH का फुल फॉर्म होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि हमारे अंदर, एक फीमेल के अंदर अंडे कितने बचे हैं, मतलब कि कितना रिजर्व है। जैसे कि आपका लॉकर है, आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, वो हमें ये बताता है। क्योंकि क्या होता है कि लाइफ में फिक्स होता है कितने अंडे टूटेंगे। जब एक लड़की पैदा होती है तो लाखों में संख्या होती है, फिर वो हज़ारों में आ जाती है, और वो हर महीने टूटते टूटते अल्टीमेटली 35, 40, 45 की एज में ख़त्म होने लगते हैं, जब हमारे पीरियड्स बंद होने लगते हैं, मीनोपॉज की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, फ़ायदा क्या है AMH कराने का? AMH कराने का ये फ़ायदा है कि ये पीरियड के किसी भी दिन हो सकता है, बाकी हार्मोन्स की तरह नहीं। जैसे FSH, LH वगैरह कराते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, एक स्पेसिफिक वो होता है कि हमें पीरियड के सेकंड थर्ड डे के आसपास कराना होता है, सेकंड डे प्रेफरेबली। दूसरी चीज़ है कि आप केवल AMH पे ब्लाइंडली रिलाई नहीं कर सकते, आपको 2-3 फैक्टर्स देखने होते हैं। आपको पेशेंट की एज देखनी होती है, आपको AMH देखना होता है, और आपको जो भी पीरियड के सेकेंड डे एंट्रल फॉलिकुलर काउंट होता है, मतलब कि हम लोग एक ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड करके उसके अंदर देखते हैं कि हमें हर ओवरी में कितने फॉलिकल्स मिल रहे हैं। तो अगर हमारे पेशेंट का AMH कम है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि AMH को बढ़ाया नहीं जा सकता। ये सिर्फ बेकार की बातें हैं। कई पेशेंट्स को समझाओ कि आपका AMH लो हो रहा है तो आप प्लीज़ IVF कराओ, क्योंकि अगर AMH लो हो रहा है तो ये एक अलार्मिंग साइन है। अगर बहुत लो हो रहा है तो, अगर लोअर साइड है तो फिर आप सारी जांचें कराइए। अगर जांचें नॉर्मल आती है तो भी आप, मतलब आप आराम से नहीं चल सकते, आप तुरंत IUI कराइए 2-3 साइकिल, क्योंकि IUI के चांसेस कम होते हैं, पर IUI से भी प्रेगनेंसी होती है। अगर आपका IUI में प्रेगनेंसी हो जाती है, अच्छी बात है, 3-4 साइकिल्स कराइए, अदरवाइज़ गो फॉर IVF। क्योंकि आप जितना चीज़ें डालेंगी, अगर हम आँखें बंद कर लें तो अंधेरा नहीं हो सकता, आप जितना टालेंगे आपके अंडे हर महीने टूटते जाएंगे और वो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएंगे। सो इट्स बेटर कि हम टाइमली कर लें। सी, प्रेगनेंसी तो बाद में भी होगी, लेकिन फिर हमें डोनर एग्स लेने पड़ेंगे। तो इट्स बेटर कि जब तक हमें हमारे मिल रहे हैं, तब तक हमारा जो एक काम है, हमें लगता है कि हमें अपना, और IVF और IUI, मतलब इन सब का फ़ायदा ये है कि हमें अपनी जेनेटिक प्रेगनेंसी मिले। सो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अगर AMH कम हो गया, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, प्लीज़ आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। डोंट वेस्ट योर टाइम कि आप डॉक्टर से ज़िद करके कि आप मेडिसिन लिख दीजिए, हम अपना AMH बढ़ने का वेट करेंगे। प्लीज़ डोंट वेट फॉर दैट, स्टार्ट योर मेडिसिन, उसके बाद आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करिए। सेकेंडली, आपका अगर आप न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, बिकॉज अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, प्रोटीन रिच फूड खाते हैं, उससे बेटर होता है। मतलब AMH को हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हम एटलीस्ट उस AMH पे अच्छी क्वालिटी ऑफ एग्स ले सकते हैं, जिससे कि हमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाए। लाइक अगर ट्यूब्स खुले हैं, हस्बैंड का सीमेन पैरामीटर ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम IUI कराएं। संग में हम ऐसी मेडिसिन और अच्छा फूड खाएं जिससे कि हमारे को अच्छी क्वालिटी ऑफ एग्स मिले। तो आप बिल्कुल ये भ्रांति अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप AMH बढ़ा सकते हैं। अगर आपका AMH कम हो रहा है, आप बिल्कुल लापरवाही मत करिए, आप बिल्कुल ये मत सोचिए। कभी कभी एज कम होने पे भी AMH कम होने लगता है। अगर आपकी एज कम है फिर भी AMH कम हो रहा है, तो ये मत सोचिए कि अरे कोई बात नहीं, हमारी इतनी एज कम है, हमारे को नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है। आजकल बहुत सारे फैक्टर्स हैं, PCOD एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एंडोमेट्रियोसिस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है, और इनके कारण AMH कम होने लगता है। क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस अगर ओवरी में है तो वो ओवरी के फॉलिकल्स को, ओवरी को डिस्ट्रॉय करते हैं, उससे फॉलिकल्स कम होने लगते हैं। अगर PCOD है तो PCOD की जो बेसिक पैथोलॉजी होती है कि उसमें एक दो की जगह बहुत सारे फॉलिकल्स बन के टूटते हैं, तो उसके कारण आपका फॉलिकल रिजर्व कम होने लगता है। सो एट अ वेरी यंगर एज आपके फॉलिकल्स कम होने लगेंगे, तो आपको उसका ध्यान देना पड़ेगा, आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा।
सो इसलिए प्लीज़ अगर आपका AMH 2 से कम आ रहा है तो थोड़ा सा हाई अलर्ट है, स्पेशली सीइंग योर एज एंड एवरीथिंग। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है तो बहुत अलार्मिंग है। अगर कंपैरेटिवली आपकी 25 से लेके 30-32 के बीच में है तो भी आप लापरवाही मत करिए। अगर AMH कम आ रहा है प्लीज़ गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर, एंड वो आपको जैसा बोले आपके बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराएं। अगर वो नॉर्मल है, अगर वो सब कुछ अच्छा है, तो फिर आप IUI ट्राई कर सकते हैं, 2-3 साइकिल्स और मे बी 4 साइकिल्स, एंड अदरवाइज गो फॉर IVF। थैंक यू सो मच, आगे भी मैं ये चीज़ें बनाती रहूँगी, एंड आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।